मस्तिष्क प्रभावित होता है। सादा सुपाच्य प्राकृतिक भोजन हम लेते हैं, मन मस्तिष्क पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर कदम पर हमें जागृत होने की आवश्यकता है, होश में जीने की आवश्यकता है। या तो अपने भीतर हम इतनी शक्ति जगाएं कि संगत कैसी भी हो हम अपनी छाप छोड़े, न कि उसके अनुसार बन जाएं। कोई बहुत जिद करने लगा हम चाय पी लेते हैं, कोई बहुत जिद करने लगा हम सिनेमा चले जाते हैं, कोई बहुत जिद किया एक घूंट शराब चढ़ा ली। इसका मतलब यह है कि हम बहुत चीजें सिर्फ मर्यादावश नहीं करते हैं, भीतर मन हमें करवाने के लिए आतुर है और हम मन के गुलाम बने होते हैं, और जैसे ही थोड़ी हवा मिलती है, थोड़ा मौका मिलता है, हम कूद पड़ते हैं। लेकिन अपने भीतर अगर मजबूती है, मन हमारा गुलाम है, तो कोई भी हमें इस तरह से अपनी ओर नहीं खींच सकता। फिर हम उसे बदल सकते हैं, हमें वो सामर्थ्य होगा कि हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। एक बुद्ध खड़े हो गए, जगत को लौटना पड़ा उनके पीछे। वो जगत के पीछे नहीं गए, सदगुरु कबीर खड़े हो गए, पूरे संसार को लौटना पड़ा उनके पीछे कि नहीं कुछ तो बात है। और सब उनके देशना को, उनके संदेश को सुनकर बदलने की कोशिश किए, और आज संसार उनके उपदेशों को सुनता है, जीने की कोशिश करता है और बदलने की कोशिश करता है। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत गलत हुई, कैकेयी का मन बदल गया। भीष्म पितामह की संगत गलत हुई, द्रौपदी का चीर हरण होते हुए भी, उस सभा में मौजूद होते हुए भी भीष्म पितामह शांत बैठे रहे, कुछ कर ना पाए। संगत अधर्म का था, भोजन गलत था, लेकिन जब पवित्रता होती है तो वहां फिर भीतर दिव्यता जागृत होती है, सकारात्मक सोच, सकारात्मक शक्ति जागृत होती है, और हम फिर अपने मूल स्वभाव के अनुसार जीते हैं। और जब मूल स्वभाव में हम जीते हैं, अर्थात सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा में, तो फिर राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। फिर आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आपके भीतर ही वो दैवी शक्ति है, आपके भीतर ही वो सारी भगवत्ता है, सारा सामर्थ है। फिर अलग से कुछ नहीं, फिर आपको प्रतीक्षा भी नहीं करनी है, फिर आप भगवान शिव के लिए अलग से कहीं जल लेकर नहीं जाएंगे, सामने ही शिव का दर्शन होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने वे लोग जाते हैं जिन्हें भगवान शिव कहीं नजर नहीं आते, और जिन्हें आसपास नजर ना आया, क्या गारंटी है कि वो मंदिर में देखता होगा? भीड़ देखकर वो भी चला जाता है, देखता नहीं है। यदि आसपास में ही वो आंखें हमारी देख सके भगवान को, हर किसी में देख सके, तो कोई प्यासा नहीं मिलेगा आसपास। सबकी प्यास हम बुझा सकते हैं, सबकी जरूरत हम पूरी कर सकते हैं। धन है तो धन से, अन्न है तो अन्न से, तन में शक्ति है तो तन की सेवा से, और कुछ नहीं है तो मन में पवित्र विचार से। तीन साधन है, मन, सा, वाचा, कर्मना। हम किसी भी साधन से सेवा कर सकते हैं। फिर हमें कहीं भोग लेकर भगवान के मंदिर जाना नहीं पड़ेगा। कोई निरीह प्राणी अगर सामने दिख गया तो हमें उसमें ही परमात्मा का दर्शन होगा,
और हम वो भोग हम उसे लगा देंगे और वो सुकून हमें मिलेगा, वो आनंद हमें मिलेगा जो शायद मंदिर में भगवान को भोजन करा के नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस मंदिर में हम भोजन कराने जा रहे हैं शायद वहां भगवान ना भी हो, लेकिन जिस प्राणी को हम, जिस निरीह मूक प्राणी को, असहाय प्राणी को, व्यक्ति को हम अपनी सेवा देंगे, उसमें निश्चित परमात्मा है, इसे कोई काट नहीं सकता। तो जब संगत अच्छी होती है तो पूरी सृष्टि अच्छी हो जाती है। सृष्टि कभी गलत नहीं है, बहुत सुंदर है, परम सुंदर है और बहुत खूबसूरत है। अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है, अपनी सोच, अपना चिंतन बदलने की जरूरत है, फिर चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता है, अच्छाई ही अच्छाई है। हम जहां देखेंगे वहां अच्छाई का दर्शन होगा। सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। संत कहते हैं सबकी गुणों को देखो, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें कोई गुण ना हो। हजार दुर्गुण होंगे, हजार बुराइयां होंगी, लेकिन आप सद्गुण को देखें। और बुराइयां देखनी है तो अपने भीतर देखना, शायद स्वयं में वो भगवत्ता प्रकट हो जाए। यही रास्ता है, अपनी गलतियों को देखकर हम उसे निकालते जाएं, अपने विशालतम हृदय में वो प्रेम का दिया जला दें कि जिधर दृष्टि जाए प्रेम ही प्रेम, करुणा ही करुणा, सत्य ही सत्य, पूरा जगत सुंदरतम मालूम पड़ेगा। फिर किसी से नफरत नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से बैर नहीं। हृदय में मातृभक्ति, गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति और संपूर्ण रूप से राष्ट्रभक्ति की धारा बहेगी। फिर सभी राष्ट्र में रहने वाले सभी अपने हैं, वैसे तो पूरे विश्व में रहने वाले अपने हैं, लेकिन यदि हम एक राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र में जीते हैं, तो ये राष्ट्रीय देश की सीमा के अंदर हम उस देश धर्म का पालन कर सकते हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में, भौतिक जीवन में हमारी सीमाएं सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, और सर्वोपरि राष्ट्र धर्म को माना भी गया है। यद्यपि सद्गुरु कबीर जैसे संत पूरे जगत की बात करते हैं, लेकिन जगत में ऐसे भी लोग हैं जो इंसान या इंसानियत की बात नहीं समझते, जो ज्ञान नहीं समझते, जो प्रेम की भाषा नहीं समझते। अब सामने विषधर सर्प हो और आप उससे प्यार करने जाएं, वो नहीं समझेगा। उसका स्वभाव है विष छोड़ना। आप वहां प्यार करने जाएं, वो आपको डस लेगा। तो वहां जबरदस्ती नहीं करना है, वहां सावधान रहना है, उसे दूध नहीं पिलाना है। तो जो सामने अगर इंसानियत को नहीं समझने वाला व्यक्ति है तो वहां अपने आप को अलग कर लेना है। जबरदस्ती उसे इंसानियत सिखाना नहीं है, ना देना है, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो मैंने कहा कि हमारे भीतर वो प्रेम जागृत हो कि हम संपूर्ण राष्ट्र में जितने भी लोग हैं जो इस देश के प्रति समर्पित हैं, इस मिट्टी के प्रति समर्पित हैं, हमारे समस्त महापुरुषों के प्रति समर्पित हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा को सम्मान देते हैं, वो सब हमारे अपने हैं। और यदि कोई भूला है, भटका है, कोशिश किया जाए, संभल गया ठीक है, उपेक्षा कर दीजिए, नहीं संभला तो उपेक्षा कर दीजिए। तो संगत अच्छी हो तो जीवन में हमारे सदा सुख ही सुख है,
और जो मूल स्वभाव है फिर वो जागृत होता है, और तब हमें पता चलता है कि बाहर जिस नफरत जिस घृणा में हम जीते हैं, कहीं भी हम होते हैं, नफरत जल्दी छूटती नहीं है, घृणा छूटती नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि नफरत और घृणा गृहस्थ समाज में ही है, बल्कि कोई भी समाज हो, साधु समाज हो, गृहस्थ समाज हो, कहीं भी हो, ये इतना प्रबल होता है कि हम नफरत की दीवारों में कैद होते चले जाते हैं, घृणा की दीवारों में कैद होते चले जाते हैं। ये अलग बात है, ध्यान चलता है, पाठ चलता है, कथा चलती है, सत्संग चलता है, लेकिन हम नफरत और घृणा की दीवारों में कैद होते हैं। अपने समाज का है तो धन्यवाद है, दूसरे समाज का है तो हम तुरंत नफरत और घृणा में आ जाते हैं। सफेद वस्त्र का है तो प्यार है, लाल वस्त्र का आ गया तो फिर नफरत है। ये सारी सीमाएं हमने तय कर रखी है, बना रखी है, और जो दर्शाता है कि हम अभी मूल स्वभाव से दूर हैं। आंखें बंद करके ध्यान करते जरूर हैं, लेकिन वो ध्यान की गहराई से जो प्रेम जगता है वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं, क्योंकि ध्यान का अंतिम परिणाम ही प्रेम है, वो समष्टि के लिए प्रेम जिसे जिसकी बात सदगुरु कबीर करते हैं। प्रेम की चर्चा सदगुरु कबीर ने इतनी गहराई से और इतने विराट रूप से किया है कि आप उस अर्थ को समझेंगे जिसे सदगुरु कबीर सरल भाषा में कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा, प्रेम कोई व्याकरण नहीं है जिसे पढ़ने के लिए बहुत गहरा भाषा का ज्ञान चाहिए, ढाई आखर का है। पोथियों के पढ़ करके तो बहुत लोग पंडित बन गए, लेकिन वो असली पंडित नहीं है। ये ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने ढाई अक्षर के प्रेम को पढ़ा है, जाना है, वो सच में पंडित हो गया। सदगुरु कबीर उस गहनतम प्रेम की बात करते हैं, प्रेम गलियती सांकरी जामे दो न समाए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, जाघट प्रेम न संचरे। इस तरह सदगुरु कबीर ने प्रेम की बड़ी गहरी चर्चा की है। वो गहनतम प्रेम, वो निर्मल प्रेम, वो निश्चल प्रेम, वो निष्कपट प्रेम अगर हृदय में जागृत होता है तो फिर चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, सुंदरता ही सुंदरता है। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी संगत को बदलें, हम अपने आसपास के वातावरण को देखें कि कैसा है। अगर हम कमजोर हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी संगत में रहें जहां हम अपने भीतर के स्वभाव को जान सकें, हम अपने मूल स्वभाव से परिचित हो सकें। और यदि गहरे रूप से हम एक बार अपने भीतर के स्वभाव से परिचित हो गए, फिर हम नरक में भी चले गए तो नरक को स्वर्ग बनाने की शक्ति हमें होगी। फिर हम कहीं चले जाएं, शराब की दुकान पर भी चले जाएं, तो वहां हम लोगों हमारे भीतर वो शक्ति होगी कि हमारे आलोक में लोग बदलेंगे, फिर हम पर फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका, क्योंकि उनकी बुरी आदतों से हमारी अच्छाई, हमारा मूल स्वभाव इतना विराट है, इतना विराट होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि जैसे हजारों लाइटें रात में लगी हों, लेकिन सूर्योदय होते ही सारी लाइटें मालूम पड़ती है कि जल ही नहीं रही, सबका प्रकाश कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, सूरज के प्रकाश में सब डाउन हो जाता है। रात में सबसे अधिक रोशनी देने वाला लाइट जिसकी प्रशंसा होती है, उजाला होते ही उसका पता भी नहीं चलता कि जल भी रहा है कि नहीं। ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश इतना ही विशाल है कि जब वो हमारे हृदय में जगेगा, वो प्रकाशित होगा, तो बाहर कितना भी ताकत खड़ी हो हमें झुकाने को, वो प्रेम के प्रकाश में सब खत्म हो जाता है, सब धाराशाही हो जाता है। इसलिए हम चेष्टा करें, कोशिश करें ऐसा हमारे जीवन में हो। तो आप सभी सज्जनों को, मित्रों को, आदरणीय महानुभावों को सादर नमन। सद्गुरु कबीर साधना मंदिर के इस प्रांगण में
संध्या वंदन, संध्या पाठ के बाद, भजन के बाद कुछ विचार हमने रखे। प्रतिदिन जीवन की इस यात्रा में कुछ विचार जो कि हमारी यात्रा में सहायक हैं, कुछ संकल्प जो कि हमारे उद्देश्य में सहायक हैं, ये जरूरी है हम सब लेते रहें, ज्ञान चर्चा करते रहें, क्योंकि इससे हमारे भीतर मजबूती आती है और हमें अपने भीतर लौटने में सरलता होती है। और जब भीतर हम लौटेंगे तभी हम अपने मूल स्वभाव से परिचित होंगे, तभी हमारी नफरत की दीवारें गिरेगी, घृणा की दीवारें गिरेगी और हम एक विराट रूप में जगत को प्रेम रूप में देख सकेंगे। फिर अपना समाज या पराया समाज का भाव खत्म होगा, फिर मेरा और तेरा का भाव खत्म होगा, कभी भाव खत्म होगा, फिर सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। ये अवस्था हम सब के जीवन में हो, इसी मंगल कामना के साथ बोलिए सद्गुरु देव की जय।